प्रिय मित्रों, पुराने विधान के विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने इसराइलियों के लिए न्याय, दया और भाईचारे की नींव पर आधारित एक नई सामाजिक व्यवस्था को निर्दिष्ट किया, जिसके गुणभोक्ता गरीब, विधवाएं और परदेशी थे। इस सामाजिक व्यवस्था का मूल कारण यह था कि मिस्र में वे परदेशी, निस्सहाय, पीड़ित तथा गुलाम थे और ईश्वर दया करके उन्हें वहां से छुड़ा लाया। नबी सया का मानना है कि जनता के विद्रोह एवं खट धर्मिता के बावजूद ईश्वर अपनी प्रजा के प्रति दया और अनुकंपा दिखाता है और उसका संरक्षण करता है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं कि मसीही हमारा एकमात्र मध्यस्थ है। इसी मसीह की श्रेष्ठता का परिचय कराने के लिए संत योहन रचित सुसमाचार में बपतिस्मा दाता योहन का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। योहन बपतिस्मा दाता के संबंध में प्रभु येसु ने यह साक्ष्य दिया था कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में योहन से बड़ा कोई नहीं है। यह कोई व्यर्थ प्रशंसा नहीं था। ठोस आधार के साथ ही प्रभु ने यह साक्ष्य दिया। योहन का आचरण व्यवहार यह साबित करता था कि उसे पक्का ज्ञान था कि वो क्यों इस संसार में भेजा गया है और उसे यहाँ क्या करना है। लेकिन उनके शिष्य ये सत्य समझ नहीं पाए थे। इसलिए जब वे जान गए कि यीशु की लोकप्रियता बढ़ती जाती है तो वे ईर्ष्यालु बन गए। उन्हें सत्य समझाते हुए योहन ये प्रसिद्ध वाक्य कहते हैं कि ये उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। योहन साफ कर देते हैं कि मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उनका अग्रदूत मात्र हूं। यदि वो चाहे तो कुछ समय के लिए लोकप्रियता में आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि अनेक लोग योहन को मसीह मान लेने को तैयार थे। लेकिन तब वो सत्य का साक्षी नहीं बन सकते। तात्कालिक लाभ के लिए सत्य को तोड़ मरोड़ना उसकी शैली नहीं थी। यीशु रूपी परम सत्य को लोगों के सामने प्रस्तुत करना ही उसके जीवन का उद्देश्य था। और योहन ने अपना कार्य पूरा किया और रंगमंच पर से नेवत्थ की ओर जाने को तैयार खड़े हुए। यीशु की लोकप्रियता देख वो आनंदित हुए और अपने शिष्यों को इस सत्य का साक्ष्य भी दिया, क्योंकि योहन यीशु रूपी सत्य को समझ गए थे। क्या हम अप्रिय सत्यों को खुशी से स्वीकार करने को तैयार है? क्या हम दूसरों की महानता मानने को तैयार है? क्या हम यीशु की श्रेष्ठता समझकर उसके प्रति अपना प्रेम तथा आस्था प्रकट करने को तैयार है? विनम्रता से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तुझे जानने तथा तेरी शिक्षाओं का सही
अर्थ समझने और इन जीवनदायक शिक्षाओं पर चलते रहने की कृपा हमें दे। जय यीशु।